बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, कि राजनीति, नीति मतलब पॉलिसीज, और राजकर्ता मतलब आपके लिए एक पॉलिसीज का डेवलपमेंट करना जो आपके वेलफेयर के लिए हो। घमंड है जो ज्ञान का, प्रमाण ये विद्वान का, क्या मात दोगे बुद्ध को जो ज्ञानिता ब्रह्मांड। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट, एंड उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ माइंड यूथ में लाने के लिए, सो हमारे साथ में अदांग करोड़े, जो कि एक रैपर है, जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, एंड उनके आगे बहुत सारे विजन है, मिशन है, उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हम अथांग को वेलकम करते हैं। वेलकम टू अथांग। थैंक यू। यस अथांग, जब हम बात करते हैं अंबेडकर चळवळ की यूथ को लेके, जो कि आजकल कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है, कहीं ना कहीं किसी और रास्ते पे जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आप क्या देखते हैं फ्यूचर अम्बेडकराइट यूथ का? एक्चुअली जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बचपन से अपब्रिंगिंग होती है, मेरे ही घर पे ऐसा मैं देखता हूँ कि जो मेरे पापा थे वो रेलवे में लोको पायलट थे, और उन्होंने एक संस्था के साथ में काम किया स्कैन नाम की। तो ये स्कैन संस्था में वो स्टूडेंट्स को, जो गोर गरीब स्टूडेंट्स रहते थे, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें मदद करते थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन मदद करता था। अच्छा। उससे प्रेरणा लेके जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने समता सैनिक दल ज्वाइन किया, और समता सैनिक दल ज्वाइन करने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं और समाज के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है, पर जो यूथ है उसका जो प्रेजेंस है वहाँ पे निग्लेक्टेड रहता है। बराबर। अगर हमारे घर से ही हमें वो अपब्रिंगिंग मिलती है, अगर हम बाबा साहब को जान से पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि बाबा साहब ने बचपन से एक संघर्ष की गाथा लिखी, और उसी संघर्ष की गाथा को चलाने का काम हमारा भी था। बराबर। अगर यूथ इस बात को नहीं समझेगा, कंपैशन के, काइंडनेस के गुण अपने अंदर नहीं लाएगा, तो अंबेडकरवादी मूवमेंट में उसका प्रेजेंस जीरो हो जाता है। बराबर। और उसी प्रेजेंस को अगर हमें जानना है तो हमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट है, जो बाबा साहब की दी गई मातृ संगठना है, उसमें लेना चाहिए, और तभी मैं मानता हूँ कि युवा इसमें एक्टिव हो सकते हैं। ओके। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे समता सैनिक दल की आपने बात की, तो समता सैनिक दल में हम देखते हैं कि काफी सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारा यूथ उस तरफ जा नहीं पाता, एज कम्पेयर टू हम लोग अगर आरएसएस या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वहाँ पे बहुत मात्रा में यूथ जुड़ते हैं। हाँ। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि क्यों यूथ समता सैनिक दल की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग किसी संगठना में अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम लोगों को सभी को काम करना है, पर जो बेसिक हिस्टोरिकल हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें देखा गया है कि अम्बेडकराइट पीपल में या शेड्यूल कास्ट पीपल में कि उनके पास में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो अपना समय संगठन को देंगे तो क्या वो अपने नौकरी कर पाएंगे? क्या उनके माँ बाप जो रोजी रोटी के लिए जाते हैं, क्या वो उसके बाद में अपना काम कर पाएंगे? हाँ। तो इस वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कम होता है। दूसरा ये कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी शेड्यूल कास्ट में होता है, वो भी अपने लड़के समता सैनिक दल जैसी संगठनाओं में नहीं डालते, तो उससे क्या देखने को मिलता है कि वो चाहते कि मेरा लड़का पहले पढ़ लिख ले, बाद में उसे अगर करना होगा तो करेगा। तो जो पे बैक टू द सोसाइटी, ये जो भावना है, ये लोगों में इनकलकेट नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि गरीबी हमारा फैक्टर हो सकता है कि हम इसमें काम ना करें, पर संगठन तुमसे 24 घंटे नहीं मांगता। वो तो है। संगठन आपसे किसी रविवार को, किसी सैटरडे संडे या ऐसी कोई घटना जो घटना हम रोक सकते या घटना होने के बाद में उसे प्रीमेटिव मेजर दे सकते, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। अगर ये चीज हम लोग समझेंगे तो जो इन्वॉल्वमेंट का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और यूथ का अट्रैक्शन जो इसके लिए है, किसी भी संगठना के लिए, वो बढ़ते रहेगा। इसके लिए रीडिंग और उन्हें अपना जो समय है वो सही तरीके से देने की जरूरत है। बराबर। अब जब समय की बात कर रहे हैं तो एक चीज है कि आज का जो यूथ है, जो जेंजी है कह सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा अवेलेबल है। हाँ। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीजों पे अम्बेडकर चळवळ देखता है। हाँ। वो अम्बेडकर ही डांस करता है, बाबा साहेब की फोटो का इस्तेमाल करता है, और उस बहाने वो अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ये हूँ। लेकिन अब वो लोग पढ़ते नहीं है। हाँ। उन तक वो चीज़ें पढ़ नहीं पाते और फिर उन्हें नॉलेज नहीं मिलता है। हाँ। तो ये जो जेंजी आज के समय में, आप भी मेरे हिसाब से जेंजी में ही आते हो, अब 2000 के पहले के बर्थ हो, 1998 के, ओके। हाँ। थोड़े से बच गए। हाँ। तो ये जो होता है जेंजी, ये बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इनका अटेंशन स्पैम कम है, इन्हें पढ़ना नहीं, जल्दी कोई आंसर चाहिए, ये हर चीज के लिए गूगल पे डिपेंड है। तो गूगल हमेशा हर चीज बाबा साहब के बारे में नहीं बता पाएगा जो उनकी किताबों में है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जनरेशन जेड और यूथ तक बाबा साहेब पहुंचाया जा सकता है, और क्या होने से बाबा साहेब का रीच यूथ में ज़्यादा हो पाएगा?
जैसे कि देखा गया है कि जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे ये आपको शॉर्ट टर्म अचीवमेंट देते हैं, ऐसा देखा गया है कि किसी का स्ट्रगल, अगर जैसे हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्या अचीव कर लिया कि इनका पॉडकास्ट हो रहा है, बट ये नहीं देखा जाता कि उस संघर्ष के पीछे में उनके कितने छोटे छोटे अटेम्प्ट होते हैं। बराबर है। एक गली से निकला हुआ व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है, वो साथ में फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल रहता है, वो अपना मास्टर जर्नलिज्म करता है। तो ये जो संघर्ष की जो गाथा है, हमें यूट्यूब और ये जो चीजें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कॉन्स्पिरेसी चलती है इल्यूमिनाटी नाम की, इल्यूमिनाटी जो काम करता है ये माइंड पे हैमर करता है, इनका प्राइम एजेंडा डिपॉपुलेशन का होता है और माइंड को कैसे एक प्रकार से मैनिपुलेट किया जाए। तो वैसे ही मैं मानता हूँ कि अगर बाबा साहब को हमें सब तक पहुँचाना है तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जो काम करते रहता है पर हमारे यहाँ पे पहुँच नहीं पाता, हम लोग उसके अपने कृतिशील नहीं कर पाते, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें बाबा साहब पहुँचाना है आज के दौर में, तो 1970 में क्रांति हुई थी हिप हॉप की, न्यूयॉर्क से क्रांति होती है कि किस हिसाब से जो ब्लैक पीपल रहते हैं, अफ्रीकन पीपल रहते हैं, वो कहते हैं कि हम बाल नहीं काटेंगे, वो कहते हैं कि हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे, वो कहते हैं कि हम कान में चार बाली पहनेंगे, हम लंबे कपड़े पहनेंगे, ढीले पैंट पहनेंगे, वो विरोध करते हैं उस कल्चर का जो कहता है कि तुमको सोफिस्टिकेटेड रहना है, वो उस वाइट के आइडियोलॉजी पे इफेक्ट डालता है कि हम लोग ऐसा क्यों रहे, हम तुम्हारी स्लेवरी क्यों करें, हम तुम्हारी गुलामी क्यों झेले, तो उसका विरोध करने के लिए हिप हॉप का जन्म होता है। और हिप हॉप आप जब देखोगे तो वो बात करता है कि रेसिज्म के ऊपर बात करता है, वो कहता है कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये ब्लैक्स ये मत रखते। तो वैसे अगर हमें अम्बेडकरिज्म पहुंचा है तो आर्टिस्टिक कल्चर बहुत प्रमाण में बढ़ चुका है, पॉडकास्ट और जैसे भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील, ये बनाने में मैं सोचता नहीं कोई आपत्ति है, पर अगर आपको बाबा साहब को समझना है तो आपको ग्राउंड रियलिटी को हिट करना ही पड़ेगा। किसी के घर में अन्न नहीं है, आप एक बोरी दान कीजिए, बराबर है। आप अगर अपने बुद्ध विहार में रोज नहीं जा सकते, एक दिन भंते जी के पास में जाके एक जातक कथा सुनिए। अगर आप नहीं जान समझ सक रहे कि किस हिसाब से अम्बेडकर मूवमेंट को फैलाना है, तो आप ये कीजिए कि छोटे छोटे प्लेस के माध्यम से, जैसे नुक्कड़ नाटक हमारा एक इतिहास रह चुका है, प्रबोधनकारों का इतिहास रह चुका है, बराबर। तो आज के समय में आर्टिस्टिक मीडिया है, रैप कल्चर है, रैपर्स को आप समझिए कि रैपर्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सोसाइटी को हिट करने वाला व्यक्ति अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ा हुआ, ये डायरेक्ट देखने को मिलता है, बराबर। तो मैं मानता हूँ कि जो आज के मीडिया का इस्तेमाल है, अगर हम लोग अप्रोप्रिएट वे में करें और जो लोगों को चाहिए, उससे बेहतर है कि हम उनको कहें कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो आपका सोशल मीडिया भी वर्क करेगा और आपका इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड लेवल पे भी दिखेगा। करेक्ट। तो दोनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत मैं यहाँ मानता हूँ। बराबर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि शासन करती जमात बनो। हाँ। अब शासन करती जमात में फिर वो अलग अलग एरियाज में भी आगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, एजुकेशन हो, सब जगह पे टॉप पे आओ, सब जगह पे आप ऊंचे आओ। तो एज एन पॉलिटिकल, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट का रोल निभा चुके हैं, आप स्टूडेंट है, पॉलिटिक्स स्टूडेंट करते हैं, आपको कौन सा ऐसा नेता अभी के समय में दिखता है अम्बेडकराइट जो लगता है कि ये हमें सही गाइड कर सकता है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जब मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिक्स चली, राजा भाऊ खोबरागढ़े जी भी थे, बाबू हरदास भी थे, तो इनके बाद में मैं देखता हूँ कि जो अपने माननीय काशीराम जी थे, इन्होंने महाराष्ट्र से एक चढ़वर की शुरुआत की, DS4 की स्थापना की, बामसेप की स्थापना की, और उन्होंने बाद में जाना कि पॉलिटिक्स जो मास्टर की है उसमें जो इनका इन्वॉल्वमेंट लाया, उन्होंने ऑफिसर्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट लाया, और उनके बाद में BSP की स्थापना की। आज उन्होंने हम देखते तो मायावती जी UPSC की तैयारी कर रही थी, UPSC से तैयारी करके उन्हें जिले का IAS बनना था और समाज के अंदर में विकास करना था, पर माननीय काशीराम जी ने उन्हें कहा कि जब तुम्हारे अंडर में ही हजारों IPS IAS काम कर सकते हैं तो तुम राजनीति में आओ। और जिस दिन मायावती जी ने घर छोड़ा, हमारी बहन जी ने घर छोड़ा, और उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पहले इसमें हार आई, पर दूसरी बार जब वो जीत के लोकसभा गई तो एक ऐसे हमारे सामने प्रेरणा स्थान था कि इस दलित पॉलिटिक्स में हम भी लोग कुछ कर सकते हैं, हम बाबा साहब का सपना इस देश में पूरा कर सकते हैं। बराबर। उनके बाद में वो चार बार टर्म में मुख्यमंत्री बनी, गठबंधन भी हुआ अलग अलग पार्टियों के साथ, सही बात है, पर 2006 के बाद में हम लोग देखते हैं कि कुमारी मायावती जी की जो सीट से वो डिक्लाइन होना चालू हुई, और उनके बाद में 2015 में एक बहुत बड़ा उद्गम होता है जो माननीय चंद्रशेखर भाई के रूप में होता है। उन्होंने सबसे पहले, उनका फोकस भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, भाई विदेश जाके पढ़ना चाहते थे, पर भाई बचपन से ही उस पॉलिटिकल एंगल को देखते थे, क्योंकि उनके फादर जो थे वो BSP कैडर से थे, ठीक है, तो उनका जो इंक्लिनेशन था वो था पॉलिटिक्स की तरफ।
आज चंद्रशेखर भाई को हम लोग जब देखते हैं कि वो 18वीं लोकसभा में नगीना विधानसभा से जीत के जाते हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहता है, वहां पे बीएसपी का कैंडिडेट रहता है, पर भाई वहां पे 1.5 लाख से ऊपर की लीड लेते हैं और नगीना से लोकसभा जीतते हैं। तो ये जो होप आई है हमको कि एक यूथ किस हिसाब से मौका दिया जाए तो कर सकता है। चंद्रशेखर भाई अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि अगर मैं नेता ना होता तो मैं आज विदेश में पढ़ रहा। दूसरा भी ये कहते हैं कि अगर मैं नेता नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर होता। आप मौका तो दीजिए, आप हमारी जात देख के हमें अगर मौका नहीं दोगे तो हमारा टैलेंट क्या है ये आप तक पहुंच नहीं पाएगा। करेक्ट। तो आज के समय में ऐसा मानता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ये नए एक पॉलिटिक्स के लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। हम किसी का पर्याय नहीं बन रहे, हम बीएसपी को काउंटर नहीं कर रहे, हम किसी थर्ड पार्टीज का हम लोग काउंटर नहीं है। हम लोग वही पीपल के पेड़ की शाखा है जो गौतम बुद्ध ने अपने काल में लगाई थी। हम सब एक है, बस लीडरशिप का ट्रांजिशन होना ये स्वाभाविक बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज के समय में मैं बहन कुमारी मायावती जी को भी मानता हूँ, माननीय काशीराम जी के भी थॉट्स को मानता हूँ, पर आज के समय में उनके साथ में उनके विचारधारा को बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद करे, ये हमारा मानना है। बराबर। अधांग, जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो उनका पर्सनैलिटी और उनका जो रुतबा है वो मल्टी डायमेंशनल है, चाहे उनके ड्रेसअप से हो गया, चाहे उनके एजुकेशन से हो गया, चाहे उनकी धम्म देने की चीज़ें होगी, तो उनकी चीज़ों में हमें हमेशा सबसे पहले ह्यूमैनिटी सबसे प्रायोरिटी पे दिखता है, उसके बाद उस पर वो अपना बेस बिल्ड करते हैं सारी चीज़ों पे। तो ह्यूमैनिटी में एक एंगल उनका सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग देखते हैं उनको डॉग्स काफ़ी पसंद थे, उनको एनिमल पसंद रहे हैं, और बुद्धा के काल में भी हम लोग देखते हैं कि बुद्धा की काफ़ी स्टोरीज है एनिमल्स की और इन सब चीज़ों के लेके। मैं सोचा कि और जाना है कि आपको भी ये चीज़ें पसंद है, तो उसके बारे में आप कुछ बता पाए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ह्यूमन एनिमल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सालों पुराना है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस हिसाब से देवदत्त ने, जो बुद्ध के कजन्स थे, तो उन्होंने जब एक हंस को मारा और हंस को जब मरा देखे कि वो तड़प रहा है, तो बुद्ध ने उसको किस हिसाब से बचाया। करेक्ट। उसके लिए शिक्षा भी देवदत्त के लिए प्रावधान किया कि शिक्षा मिले कि तुम इसके बाद ये ना करो। तो बेसिकली ये देखा गया कि जितने भी ग्रेट लीडर्स थे उन्हें एनिमल के तरफ अफेक्शन था। बराबर है। सम्राट अशोक भी, हम लोग, मैं नोट करना चाहूंगा यहाँ पे कि सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने पूरे दुनिया को ये चीज बताई कि सबसे पहले जो पशु अस्पताल है वो उनके काल के बने। बराबर है। और उन्हें ऐसा था कि उन्हें अफेक्शन था पशुओं को लेकर। तो अगर हम लोग आम्बेडकरिज्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि बुद्ध विहारों में एक चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है कि मानव का कल्याण हो, यहाँ पे रह रहे सभी पशु पक्षियों का कल्याण हो। बराबर। तो अगर जब हम कल्याण की बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के डॉग्स थे, ब्रूनो था उन्हें सबसे प्यारा, टॉबी था। टॉबी जब खाना नहीं खाता तो बाबा साहब रोते थे कि टॉबी तू जेवन कर, तू काउन जेवत नहीं है। बराबर। और बाबा साहब जब टॉबी गुजर गया तो बाबा साहब बहुत रोए, कुछ दिनों तक वो काफी अपसेट रहे कि टॉबी उनका जो चला गया, उनका जो प्यारा था। तो हमें ये जानने की आज जरूरत है कि जो एनिमल राइट्स है और जो एनिमल्स हमारे बीच में, आज भी देखा गया, मैं एनिमल रेस्क्यू करता हूँ, हम लोग दूर दूर दराज में जाके एनिमल्स को बचाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उन्हें मलम पट्टी लगाते हैं, और अगर क्रिटिकल रहा तो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं रहेंगी तो हम किस हिसाब से अम्बेडकर राइट हुए? अगर हम मानवतावादी नहीं है तो क्या हम इंसानों के लिए भी वो सोच पाएंगे? हम लोग तब सिलेक्टिव हो जाएंगे। अगर किसी को कपड़े से मैं जज कर रहा हूँ, किसी के लुक से मैं उसको जज कर रहा हूँ, तो मैं बाबा साहब के विचार पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। बराबर। अगर बाबा साहब किसी सूट बूट वाले व्यक्ति के लिए ही काम करना चाहते थे तो वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया का उल्लेख नहीं होता। वहां पे वो लोग भी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, वहां पे वो लोग भी है जो अमीर होंगे, वहां पे वो लोग भी होंगे जिनके पास में कपड़े नहीं होंगे। सही बात है। और अगर आज के जो नेता हम लोग देखते हैं जो क्या करते हैं कि झोपड़ी को छुपाने के लिए पर्दे लगा देते हैं, तुम अपने अगर देश की रियलिटी नहीं देख सकते, तुम कहते हो कि हमारा काफिला आ रहा है और उस काफिला किसी झोपड़पट्टी से गुजरेगा और हम इसको छुपा देते हैं, तो तुम अपने देश की हालत से अपना मुंह फेर रहे हो। करेक्ट। जब तुम्हारे पास में इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा बजट है और तुम कहते हो कि हम बाबा साहब के संविधान पर चलते हैं, तुम फिर प्रोटोकॉल के अनुसार तुम वो झोपड़ियां छुपाते क्यों हो? वो झोपड़पट्टी वाले व्यक्ति से भी तुम हाथ जोड़ने वाला सिंबल ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करो, और अमीर आदमी जो बीएमडब्ल्यू पे आपको फूल वर्षा देने आ रहा है, जब पुष्प कुछ देने आ रहा है, उससे भी एक्सेप्ट करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारी जो भावना कंपैशन की है ये सभी लिविंग बींग के साथ में नहीं रहेंगी, अगर एक अम्बेडकराइट स्टूडेंट या अम्बेडकराइट व्यक्ति या वो जो भी व्यक्ति जो मानवतावाद को मानता है
आंबेडकरवाद एक मानवतावाद के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है. तो जो भी इसको मानता है विदाउट द बैरियर्स ऑफ कास्ट वो असली बींग में एक ह्यूमन बींग के तरह डेवलप होगा, वो इवॉल्व होगा और इस देश में उसकी जो वैल्यूज है, उसकी जो विचारधारा है, वो सब तक पहुंचा पाएगा. तो एनिमल वेलफेयर और साथ ही साथ में डॉग लवर्स की जो भी बात है, एनिमल वेलफेयर की बात है, बाबा साहब के एनिमल्स के अफेक्शन की बात है, तो हम लोगों ने ये समझना चाहिए कि हमारे महापुरुषों से लेकर हमारे चक्रवर्ती राजाओं ने ये सब चीज़ें की. आज हम चीज़ें अगर इनसे प्रेरणा नहीं लेंगे तो आने वाले जब 25 साल में हम अपनी जनरेशन को देखेंगे तो यहाँ पे मानव ही मानव का सबसे बड़ा दुश्मन होते हुए हमको दिखेगा. बराबर. अब जब बात करते हैं अम्बेडकरवाद की, एज एन यूथ, एज एन जेन जी, उनके लिए अम्बेडकरवाद क्या है, अगर हम लोग आपके एंगल से सोचने लगे कि what you are exactly targeting and क्या आप किसे अम्बेडकरवाद कह रहे हैं बेसिकली? बेसिकली हमने देखा कि जब मैं समता सैनिक दल में था, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ क्योंकि मेरी एज आज 25 ईयर्स है, बट जब मैंने सीखा तब मैं 11 ईयर्स के आसपास था. मैंने एक चीज़ जानी कि किस हिसाब से यूथ को अगर हमको कनेक्ट करना है, पर यूथ के लिए आपको देखोगे तो नागपुर के यूथ के लिए जातिवाद एक मुद्दा नहीं है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फेस नहीं किया है, उनके माता पिता ने वो चीज़ फेस नहीं की है. पर मराठवाड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है. यहाँ से 80 किलोमीटर दूर खैलांजी गाँव है. खैलांजी गाँव के अंदर 2 दलित परिवार रहते हैं और उन भूतमांगे परिवार जी की हत्या की जाती है. बराबर. तो अगर हम लोग देखेंगे कि जिस हिसाब से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, हम लोगों का इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों का अम्बेडकरिज्म किसी अलग डिफाइन डेफिनेशन में हो सकता है. हमारा मानना यह है कि आप चीज़ों को समझो. आपके आजू बाजू जातिवाद है पर लोग उसको समझ नहीं पाते. अगर आपका प्रोफेसर किसी आपके क्लास के व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है और आपके साथ में नहीं व्यवहार कर रहा है, और आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए कि क्या क्लास के उच्च वर्णियों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, कि क्लास के दलित वर्ग के साथ में व्यवहार कैसा किया जा रहा है. जब मैं वहां पे कुछ बात रखता हूँ तो मेरे को मेजर स्टेज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है. आप कास्टिज्म को जब फील करोगे तो आपको कास्टिज्म समझेगा. अगर आप उसको इग्नोरेंट बनोगे तो कास्टिज्म आपके पल्ले में नहीं पड़ेगा. बराबर है. अगर आप IAS हो और आपको पोस्टिंग लगातार गाँव में दी जा रही है और आपका ही बैचमेट शहरों में आके पोस्ट बन के IAS बन जा रहा है, तो जातिवाद की जड़ें तो IAS लेवल पे भी है. अगर आप बड़े कलेक्टर बन जाते हो तो आपके साथ जातिवाद होगा, ये तो नहीं है. तो मुझे ये लगता है कि अगर हमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, हमें सिर्फ थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी को टच करना है. हमें अपने घर के रिश्तेदारों के बीच में ही अगर कोई गरीब है और उनके लड़के को अगर कुछ परेशानी है तो कभी उससे अगर हम डिस्कस कर ले, तो अगर हम लोग इस छोटी सी की भी काम को अगर इन्वॉल्व करते हैं कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों के पास में जाके उनकी परेशानियां जाने, तो मैं मानता हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अम्बेडकरिज्म सीख के एक बड़े अम्बेडकराइट गोर की तरफ बढ़ पाएंगे. ओके. इसमें होता है कि आप रहते हैं नॉर्थ नागपुर में, वो इलाका कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से अम्बेडकरी गढ़ कह सकते हैं. वहाँ पे चढ़वड़ की शुरुआत होती है, कोई मोमेंट आया तो वहाँ से उठता है और ये महाराष्ट्र में आगे की तरफ जाता है. नागपुर को एज एन क्रांति भूमि हम लोग कहते हैं. तो लेकिन हम एज एन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉर्थ नागपुर का जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं है जो साउथ नागपुर का है. जो साउथ नागपुर में जो चीज़ें हुई है और जो डेवलपमेंट दिखता है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो एक जिम्मेदार ऐसा मैं मानता हूँ कि नागपुर, यहाँ पे हमको दिखता है कि इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है नागवंशियों का, और बाबा साहब ने भी धम्म क्रांति के लिए नागपुर को ही चुना. बराबर. तो जिस हिसाब से हम लोग एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आप दीक्षा भूमि की लोकेशन देखिए, दीक्षा भूमि की लोकेशन आपको दक्षिण पश्चिम की आती है. क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि बाबा साहब अपने हाईली पॉपुलेटेड इलाके में नहीं दीक्षा दे रहे हैं, वो इंदौरा में दीक्षा नहीं दे रहे, वो उस जोन में दीक्षा दे रहे हैं. यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो प्रोपोगेशन ऑफ थॉट्स बाबा साहब देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग पेनिट्रेट करें एक जगह पे और अपने जो अम्बेडकरिज्म बुद्धिज्म को ऑल ओवर ग्लोब में फैलाएं. महाराष्ट्र के बाद में हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका जो धम्म चक्र है वो किस हिसाब से घुमा सकते हैं. जैसे अभी नॉर्थ नागपुर की बात आपने कही, तो नॉर्थ नागपुर की पॉपुलेशन हम लोग एक स्टैटिस्टिक देखेंगे तो वहाँ पे दलित, मुस्लिम्स और कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ रहते हैं. करेक्ट. जब उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट की हम लोग बात देखते हैं कि कोई कहता है कि मैं यहाँ पे 25 साल से आमदार हूँ, मैं यहाँ पे 15 साल से आमदार हूँ, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि जब आपको आमदार निधि आती है, आप कहते हैं कि मैंने ये बनाया, रास्ता डेवलपमेंट मैंने किया, तो क्या रास्ता डेवलपमेंट किसी गांव में नहीं हो रहा है?
डेवलपमेंट का पैरामीटर ही संविधानिक है, तो आपको करना ही पड़ेगा। समय के साथ साथ लोग इवॉल्व होंगे, समय के साथ साथ लोगों की झोपड़ी से घर बनेंगे, उनके लोग ड्यूटी पर लगेंगे। अगर वहां पे 10 घर बन गए तो सीमेंट रोड बनाना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको चाहते हैं कि वहां से वोट मिले। बराबर। अगर आपके हाथ में पावर है, अगर मेरे हाथ में अगर पावर होता, मैं जरूर वहां पे एक कॉलेज के लिए कोशिश करता, मैं वहां पे जरूर एक हॉस्पिटल के लिए काम करता। तो आमदार बनने से आपने वो काम किया, ये आपकी, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे आमदार बनने की वजह से वो चीजें आई, वो उस जोन की रिक्वायरमेंट थी। अगर दूसरी रिक्वायरमेंट हम देखें तो उत्तर नागपुर में पॉपुलेशन की संख्या क्या है, साउथ नागपुर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वहां पे आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे कि वहां पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट का अरेना ज्यादा है। उत्तर नागपुर में हम लोग देखेंगे तो वहां पे सबसे पहले ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, वहां पे पानी जमा हो जाता है, वहां पे लोगों को शिक्षा नहीं है। आज हमारी आफ्टर स्कूल चलती है लश्करी बाग में, लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही है जिला परिषद की, क्या मराठी में पढ़ेंगे हमारे स्टूडेंट? इंग्लिश में अपडेट करने के लिए आपने कहा क्या काम किया? बराबर। आप एजुकेशन पे फोकस नहीं किए, आपने इंडस्ट्रीज को मिहान में जाने दिया, आपने हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां उसको मिहान में जाने दिया। आप वहां पे स्मारक की डिमांड मत करो, हमारा कहना है आप उच्च शिक्षा के लिए वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड करो। आप बड़े बड़े पत्र लिखे CSR फंड के लिए एक बात कीजिए और हमारे इलाकों में कॉलेज स्कूल की कीजिए। अगर हमारे कॉलेज, हमारे इलाकों में कॉलेज स्कूल खुलेंगे ज्यादा प्रमाण में, वो जो सरकारी हो, जिनका रैंकिंग A+ हो, हमारे इलाकों का विकास अपने आप होना चालू हो जाएगा। आप आमदार कितने साल से, हमको इससे लेना देना नहीं है, पर आप ही आमदार रहोगे ये चीज से हमें प्रॉब्लम है। अगर युवा वहां पे आपको चैलेंज करेगा, युवा आपको परिवर्तन की बात करेगा, तो क्या आप आम्बेडकर राइट होने के नाते इतने एक्सेप्शनल है कि आप बोलेंगे कि हाँ अगला टर्म में आपको मौका देता हूँ, क्या मैं चेंज के लिए बात करता हूँ? बराबर। आपकी लीडरशिप में ऐसा क्या है कि जो हम बन के नहीं कर सकते हैं? आपने जो किया वो भी सराहनीय है, आपने जो किया वहां पे इंप्रूवमेंट वो भी हमको एक, हम मानते हैं कि वो चीज है करके, पर परिवर्तन संसार का नियम है। बराबर। और हम जब मानते हैं कि अगर आप इन चीजों के पीछे इग्नोरेंट रहेंगे तो एक नई लीडरशिप आएंगी और उस लीडरशिप को उखाड़ फेंकेंगी जो हमारे अंडर डेवलपमेंट के लिए रिसर्च है। बराबर। क्योंकि इसमें जैसे अब बात कर रहे चांस देने की, तो जो पुराने नेता है हमारे, वो नेता क्यों नहीं दूसरे फेसेस बिल्ड कर पा रहे? वो यूथों को चांस नहीं दे पा रहे और हर जगह फ्रंट पे मैं बैट करूंगा और पीछे आप 12वें प्लेयर की तरह खड़े रहोगे, और जब तक मैं आउट, मतलब इस दुनिया से आउट ना हो जाऊं, तब तक मैं किसी को मौका ना दूं। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं, खासकर अम्बेडकर पॉलिटिक्स की भी हम लोग बात करें तो यही हाल हो रहा है। और उन नेताओं की लोग मजा उड़ाते हैं, उन नेताओं को लोग मस्ती के तौर पर लेते हैं, और बाकी की जो बड़ी पॉलिटिक्स है, बड़ी पार्टियां है, वो लोग उन्हें जस्ट फेस की तरह यूज करते हैं और लोगों की सिंपैथी गेन करती है कि हमने आपके लोगों को ले रखा है। तो यूथ ना अम्बेडकर राइट, यूथ कब आपको लगता है कि खड़ा होगा या आपको दिख रहा है ऐसा कि हाँ अब बदलाव की तरफ अम्बेडकर राइट यूथ जा रहा है? जैसे अगर मैं फिलहाल नागपुर सेंट्रिक बात करूँ तो देखा गया कि एक उपक्रम चालू हुआ भीम सकाड़ का, जय भीम मित्र मंडल में भी था उनमें साथ में, एक उपक्रम चालू हुआ और जिस हिसाब से लोगों को सुबह गैदरिंग हुई और यूथ वहां पे पार्टिसिपेट करने लग गया कि अम्बेडकर राइट मूवमेंट है। हम लोगों ने प्लान ही ऐसा किया था कि वहां पे दो स्पीचेस जाए, लोगों को डांस अच्छा लगता है तो डांस भी रखा जाए, गाने रखे जाए। हमारा तब एक, हम लोगों ने एनालिसिस किया कि उसमें एक चीज निकल के आई कि जो यूथ आ रहा है वो 18 के ऊपर है पर उसके पास वोटर आईडी नहीं है। तो जो यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानता तो वो चेंज के लिए बात नहीं कर सकता। हाँ। पर जो अभी ट्रांजिशन है, हमारा सबसे पहला एम है कि यूथ को इतना हैमर किया जाए कि वो वोटर बने, वो किसी का भी वोटर हो पर सबसे पहले वो वोटर बने। नोटा जैसी चीज को दबा के अपना वो वेस्ट ना करे, वेस्ट है नोटा, एक वेस्ट की तरह है। तो हमारा मानना है कि अगर हम लोग अम्बेडकर राइट यूथ को वोटर बना पाए, हमारा जो पहला है, आप किसी को भी वोट कीजिए, आप वोटर बनिए। दूसरा है कि उनके मुद्दे टच करना, अगर हम उनके मुद्दे अगर टच कर पाएंगे तो उनको लगेगा कि अम्बेडकर राइट यूथ में से एक लीडरशिप निकल रही है और वो चाहती है कि परिवर्तन हो करके। तीसरा, अब अगर हम लोग देखते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स की तरफ, चेंज की तरफ, तो इन्हें पूछना पड़ेगा अपने सिटिंग करंट आमदार से कि वो हमारे लिए ऐसी कौन सी योजना ला रहे हैं जिससे हमारा यहाँ पे विकास होने जा रहा है, वो ऐसा कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं जिससे उत्तर नागपुर के लड़के को पुणे में जाके 15,000 के लिए जॉब ना करनी पड़े, उसके वो हमारे लिए कौन से ऐसे पैरामीटर्स ला रहे हैं कि हमारा आदमी
ये मेयोडागा में भर्ती ना हो, उत्तर नागपुर के ही अंदर ऐसा अस्पताल बने जो वहाँ पे उनको सब सुख सुविधाएं मिले। तो इस अगर हिसाब से हम लोग देखें, अगर हम लोग एक क्वेश्चनेबल यूथ का डेवलपमेंट कर पाए, अगर हम लोग ऐसे यूथ का डेवलपमेंट कर पाए कि जो क्वेश्चन कर रहा है बस हमें इतना ही करना है, हम नहीं चाहते कि एकदम से कोई आए और आप कहे कि यही लीडरशिप आपको माननी है, हम लोग कह रहे हैं कि आप लीडरशिप को मौका दीजिए। अगर हमारी भी बैटिंग आएंगी तो हम कितने चौके छक्के मार सकते हैं, ये अगर तुमको जानना है तो हमें मौका देना पड़ेगा। ये यूथ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटर टर्नआउट बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ साथ क्वेश्चनेबल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर, अगर हम लोग इसको अचीव कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि उत्तर नागपुर में ही क्या पूरे इंडिया में हम लोग एक नई क्रांति, अम्बेडकर क्रांति के रूप में जन्म ले पाएंगे। बराबर, अम्बेडकर क्रांति के लिए जैसे यूथ का होना बहुत ज़रूरी है, और यूथ अभी के समय में जो सोशल मीडिया और एक उसकी प्रायोरिटीज़ है कि नहीं पॉलिटिक्स बुरी चीज़ है, उसमें नहीं जाना है, करियर के तौर पे उसे वो देख ही नहीं रहा है। हाँ, हाँ। तो ऐसा क्या हो जिससे कि यूथ उसे करियर के तौर पे देखे और उसे लगे कि नहीं वो बदलाव पे बैक टू द सोसाइटी भी करेगा, वो करियर भी देख सकता है उस चीज़ में और बदलाव भी उस वो ला पाएगा, तो ऐसा कुछ आपको कहीं होता दिख रहा है क्या? देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की और हमारे साथ में कम से कम 150 लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। तो जो बेसिकली स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि अम्बेडकराइट मूवमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है कि हमको इस पे जाना नहीं है, दलदल है। इन लोगों ने बाबा साहब के उस स्टेटमेंट को निगलेक्ट कर दिया जिसमें बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। उन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट किया, पॉलिटिक्स दलदल है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग डिफाइन करें, ये राजनीति कर रहा है। अब उस वर्ड का मतलब देखिए आप कि राजनीति, नीति मतलब पॉलिसीज, और राजकर्ता मतलब आपके लिए एक पॉलिसीज का डेवलपमेंट करना जो आपके वेलफेयर के लिए हो। ये देश में लोग समझते हैं कमिश्नर, कलेक्टर, आमदार, खासदार, पीएम, ये बड़ी बड़ी पोस्ट है, पर वो ये नहीं जानते कि इस देश में सबसे बड़ी पोस्ट है सिटीजन। जब आप इस देश में जन्म ले लेते हो आपको डायरेक्ट पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर आपके घर पे कुछ चोरी होती है, क्या आपकी पुलिस मदद नहीं करती? क्या आपको उसको पे करना पड़ता है? आपको पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरा, कि आप देश में अगर जाओगे कि मुझे हेल्थ केयर के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको हॉस्पिटल मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे फूड शेल्टर की नीड है, आपको राशन कार्ड की सुविधा इस देश में। तो इस देश की असली मालिक कौन है? इस देश का असली मालिक जब शासन सिटीजन है। दूसरी बात यह है कि अम्बेडकराइट यूथ को हमने को पॉलिटिक्स में लाना है, तो इन्हें देखना पड़ेगा कि हमारी जो लीडरशिप है किस दिन के बाद में स्टेबल होने जा रही है। अगर हमने कोई डिग्री कंप्लीट की और हमें यहाँ जॉब नहीं मिल रही, पर मेरा अगर बचपन से इंक्लिनेशन है किसी पॉलिटिक्स में आने का, हमें किसी नेता के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी को पुष्पगुच्छ देने की जरूरत नहीं, हमको उतर के उनके गटर लाइन साफ करने की जरूरत नहीं। हमें उनके मुद्दे समझ के, अपनी रिसर्च करके उनके मुद्दों को अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते, आप लीडर घोषित हो जाते हैं। ये चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए कि आपका जो पेट पानी का सवाल है, आपके जो आर्थिक सवाल है, ये निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि उपाशी बन लेला कार्यकर्ता हा समाज ऐसा काइस काम असर असतो। बराबर है, पर इससे हम ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि गरीब आदमी नेता ना बने। हम दोनों अगर चीज़ें पैरेलली चलाएंगे, हम जितना समय अपने मोबाइल को दे रहे हैं उतना समय समाज को अगर देंगे तो समाज आपको एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। विविध संगठनाएं दुनिया में काम करती है। आप समता सैनिक दल में भाषण दीजिए, आप दूसरी दलित संगठना में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भाषण दीजिए, आप ऐसे काम करते रहिए, एक दिन आपको समझेगा कि मेरा एक्चुअल कैलिबर क्या है। और जिस दिन आपको एक्चुअल कैलिबर समझेगा, जिस दिन आपको अम्बेडकर एक मूवमेंट समझेगा, आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी जाओगे जो आपको कहेगा कि नहीं, अब जो परिवर्तन लाएगा वो युवा लाएगा, हम उसको मौका देते। और इस हिसाब से एक न्यू टर्म्स के डेवलपमेंट होगा और यूथ का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इलाइट पुअर और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इन लोगों को अपना प्रतिनिधित्व बनाना है तो इनको पब्लिक होना पड़ेगा, इन्हें वोकल होना पड़ेगा, इनको लोगों के सामने आके अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक अथांग, उत्तर नागपुर की जैसे हमने बात की कि उसका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी के नागपुर के हिस्सों के कंपेयर में, तो वहाँ हम लोग एक अम्बेडकराइट लीडरशिप की बात करते हैं, यूथ लीडरशिप की हमने बात की, तो मुझे जानने मिला था कि आप उस चीज़ में उतरने वाले हैं एंड आप उसमें बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सच बात है कि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? प्योरली अभी मैं पॉलिटिकली काम करने की शुरुआत मैंने कर चुकी है, और ऐसा मैं नहीं मानता कि मैं ही बहुत बड़ा लीडर हूँ। अगर यहाँ पे मुझसे कोई बेटर आदमी आता है जो आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर नागपुर की लीड अपने हाथ में लेगा, ऑफकोर्स उसका मुझे हम लोगों का स्वागत है। पर अगर आज की कंडीशन में अगर कोई अवेलेबल नहीं है
तो 100% हम युवा, मैं युवा होने के नाते उत्तर नागपुर में जो भी प्रस्तापित पक्ष है उनको चैलेंज देने के लिए यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रबल दावेदारी देता हूँ। साथ ही साथ में महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र ही क्या कि पूरे जो विधानसभा है पूरे भारत के अंदर में 25 ईयर्स के अंदर में आज तक किसी युवा ने फॉर्म अगर भरा है तो उसी में एक मैं अपना नाम दर्ज करने जा रहा हूँ कि 25 साल का एक युवा इस राजनीति को बदलने के लिए उत्तर नागपुर से अपनी उम्मीदवारी इस विधानसभा में भरने जा रहा है। बहुत बढ़िया। एंड मैं जैसे जानता भी हूँ आपको कि आप एक रैपर भी है, आप अपने रैप के थ्रू, अपने हिप हॉप के थ्रू लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज देते हैं, सब्जेक्ट बताते हैं, तो अंत में जाते जाते अगर आप कुछ दो लाइंस बोल पाए तो दैट विल बी ग्रेट। मेरा कुछ रैप है, मैं नेताओं के लिए लिखता हूँ क्योंकि मेरा नेताओं से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा होता है क्योंकि वो हमारे काम नहीं करते। तो एक लाइन ऐसी है कि तेरे जो सफेद गाड़ी के पीछे खड़ी जो लंबी लाइन है, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े लोग मेरे लिए क्राइम है, संविधान के होते हुए भी कैसी ये गहराई है जो वर्णों में समाई है, आज इसे पाट दू, ऊंचाई को मैं छाट दू, बढ़ चले ये कदम में आज तेरा साथ दू, उठ खड़ा हो जा राजा तू, बुराई को बला दू, नकली पैसा नकली लोग आज इन्हें काट दू। और उसमें एक और लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ और मेरी फेवरेट लाइन है, वायरल अच्छी खासी होती है, कि कभी भी हम लोग अगर अहंकारी हो जाए और हम अहंकार को अपना सर्वोपरि माने और सबसे ग्रेट अपने आप को माने, तो एक लाइन मैंने लिखी थी और वो काफ़ी अच्छी मैं सोचता हूँ उसको, कि घमंड है जो ज्ञान का, घमंड है जो ज्ञान का, प्रमाण ये विद्वान का, क्या मात दोगे बुद्ध को जो ज्ञानिता ब्रह्मांड का। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया आपने लाइंस बताई और बहुत अच्छा लगा हमें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगा अथांग आपको, एंड आने वाले समय में आपके जैसे और यूथ पॉलिटिक्स में आए और चीज़ों को अपने हाथों में ले और बदलाव की ओर बढ़े और इस देश को एक नए मुकाम पे लेके जाए। और विश्व गुरु जो हमारा देश पहले था नालंदा सम्राट अशोक के काल में, तो वो बने और ऐसे ही आप काम करते रहे, ऐसे ही हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।